हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप में अपने प्ले स्टोर की सारी एप्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। दोस्तों, आप अपने फोन में कोई भी प्ले स्टोर का ऐप आसानी से चला लेते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि हम अपने प्ले स्टोर को आसानी से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे चला सकते हैं? कोई ऐप की आपको जरूरत पड़ गई, व्हाट्सएप या कोई भी ऐप आपको जरूरत पड़ गई, तो उसे कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही आसान शब्द में। दरअसल दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने प्ले स्टोर को आसानी से अपने लैपटॉप में नहीं चला सकते हैं, इसके लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बिना किसी सॉफ्टवेयर के के साथ बताऊंगा कैसे अपने प्ले स्टोर की सारी एप्स को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए और बिना किसी पैसे को लगाए, बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वीडियो को थोड़ा भी 100% वीडियो समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या क्या करना है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। हर एक चीज बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया गया है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन। हम अपने स्क्रीन पे अब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर का आप डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर को अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं और साथ ही उसे सारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पूरी चीज़ ध्यान से देखिएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर को आपको लिख लेना, प्ले स्टोर को लिखने के बाद एंटर कर देना यहाँ पे सर्च बॉक्स में। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले पे क्लिक कर देना है, पहला जो लिंक हमारा ओपन होकर आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा गूगल प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्ले स्टोर देख सकते हैं, ये होता है डेस्कटॉप मोड का प्ले स्टोर। अब यहाँ से आप ऐप, मूवीज, बुक्स, डिवाइसेज, जो भी चीज़ की जरूरत होती है यहाँ से क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से सर्च बॉक्स में जाकर जो भी आपको चीज़ सर्च करना है, अगर हमको कन्वर्टर करना है तो कन्वर्टर पे सर्च कर लेंगे और डायरेक्टली इसको इंटर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हमारे कन्वर्टर ऐप जितने भी रहेंगे सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारे ऐप्स को ढूंढने का और सर्च करने का। अगर आप चाहते हैं दोस्तों ऐप्स को अपने विंडो पे लाना, यहाँ डेस्कटॉप पे रखना, तो कैसे रखेंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सिंपली क्या करना है, अपने लिस्ट पे आना है, यानी कि अपने स्क्रीन पे आना है विंडो पर। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिया है, थ्री डॉट्स, यानी कि थ्री डॉट्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देता है मोर टूल्स पे, और यहाँ पे चले जाना है क्रिएट शॉर्टकट पे। क्रिएट शॉर्टकट पे जाने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, गूगल के आगे का जो भी वर्ड उसे हटा देना है, यानी कि कन्वर्टर जो भी लिखा है उसको डिलीट कर देंगे और सिंपली बिना किसी को क्लिक किए डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्ले स्टोर आ गया है। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये तो शॉर्टकट है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया दोस्तों कि ये बिना किसी सॉफ्टवेयर का आपको डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर को आपको यूज करना, तो यहाँ से आसानी से प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बारीक चीज़ें कैसे कैसे करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। दोस्तों यहाँ पे सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और जो भी आपको ऐप की जरूरत है, जिस ऐप को डाउनलोड करना है उस ऐप को और क्लिक कर देना है, यानी कि जिस ऐप को जरूरत है उस पर डबल क्लिक कर देना है। अब हमको कन्वर्टर को डाउनलोड करना है तो उस पर कन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कन्वर्टर ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ ना हमको इंस्टॉल करना है ना कुछ भी, यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली जो ऊपर वाला स्क्रीन पे इसका लिंक दिया है देख सकते हैं https, उसको सिंपली दोस्तों कंट्रोल प्लस सी दबाकर कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया लिंक। उसके बाद दोस्तों इसे कैसे क्या करना है सोचेंगे, कॉपी करके क्या करना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है APK डाउनलोडर ऐप, कोई भी चीज़ आपको नहीं लिखना है, सिंपली APK डाउनलोडर लिख कर और सिंपली इंटर कर देंगे, हमारा एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पहला जो लिंक आएगा APK डाउनलोडर लेटेस्ट डाउनलोड जो भी लिखा है दोस्तों डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली क्या करना है, उस लिंक को जिसको हमको कॉपी किया है उसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ से जितने भी ऐप है जनरेट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से उसे ला सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है, अगर आप अपने स्क्रीन पे करेंगे तो आसानी से आपका ऐप यहाँ आ जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। आपने समझ गया कैसे हम प्ले स्टोर की सारी ऐप्स को आसानी से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी थोड़ा भी आपको दिक्कत होता, अगर नहीं चलता, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और ऐसे दोस्तों नए डेली बाय डेली नए नए टिप्स और ट्रिक जानने के लिए, हर एक चीज कंप्यूटर मोबाइल हर एक चीज से रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।